आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत नवागढ़ थाना पुलिस के तत्वाधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय में पुलिस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू HD महाविद्यालय और शासकीय नवीन महाविद्यालय सहित शासकीय हाई स्कूल, पूर्व कन्या माध्यमिक शाला, वंदे मातरम स्कूल के छात्र छात्राओं ने कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जांजगीर चांपा पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि गौ सेवा आयोग अध्यक्ष व कैबिनेट मंत्री राम सुंदर दास महंत ने कार्यक्रम में शामिल होकर सर्वप्रथम सरस्वती माता, भारत माता और छत्तीसगढ़ महतारी के छायाचित्र पर धूप प्रज्वलित कर श्रीफल तोड़कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। साथ ही सभी अतिथियों ने छत्तीसगढ़ की राजकीय गीत अरपा पैरी के धार गीत से छत्तीसगढ़ महतारी को सम्मान किए हैं। वहीं कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के गतिविधियों के बारे में जानकारी दिया गया। साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू महाविद्यालय, शासकीय नवीन महाविद्यालय, शासकीय हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने रंगोली प्रतियोगिता में भाग लिया, जिन्हें नवागढ़ थाना प्रभारी ने प्रशस्ति पत्र व गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया। साथ ही सहभागिता निभाने वाले छात्र छात्राओं व पत्रकार बंधुओं को गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया है। पहुंचे हैं, बताएंगे उसके बारे में किन विषयों पे आज का कार्यक्रम था। हमारे जिला जांजगीर चांपा के पुलिस प्रशासन द्वारा जागरूकता अभियान का कार्यक्रम थाना नवागढ़ के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें हमारे जिला के पुलिस अधीक्षक श्री विजय अग्रवाल जी उपस्थित रहे और इस कार्यक्रम का आयोजन आदरणीय थाना प्रभारी ने किया, जिसमें इस क्षेत्र के छात्र छात्राएँ कॉलेज से स्कूल से उपस्थित रहे, जनसाधारण उपस्थित रहे और कोशिश यह किया गया ये जो अपराध होता है कुछ ऐसा अभियान चला जाए, इस प्रकार की बात बताई जाए जिससे कि वह अपराध ही न हो, लोग उसे सावधान रहे, बचे, इसके उपाय भी सभी बताया गया है। मुझे यहाँ से पूरा विश्वास है कि सभी छात्र छात्राओं ने इसको बहुत ध्यान से सुना है, प्रश्न भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने किया है, तो यह कार्यक्रम सफल है और आगे भी इसका बहुत अच्छा परिणाम आएगा, ऐसे हम लोग विश्वास करते हैं। जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसका उद्देश्य जो बच्चे हैं कॉलेज में पढ़ रहे हैं, स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको साइबर क्राइम के विषय में, यातायात के विषय में और महिला सुरक्षा के विषय में जागृत करना तथा उनको उनके अधिकार और बाकी कर्तव्य उनके विषय में परिचित करना, कानून की एक प्रारंभिक जानकारी देना, उनके मन में जो शंकाएँ हैं उन सबके विषय में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। और गौ सेवा के अध्यक्ष माननीय राम सुंदर दास जी भी इसमें मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी था, जिसमें बच्चों ने अपने मन में जो भी विषय में शंकाएं थी उनके विषय में उन्होंने समाधान प्राप्त किया। और इस तरह के कार्यक्रम बाकी स्कूलों में भी कराएंगे, जो बड़े स्कूल हैं आसपास के स्कूल के बच्चों को एकत्र करके, और ये कार्यक्रम लगातार चलेगा। सर, जो आपने विभिन्न विषयों पर जो बच्चों के सवालों का जवाब दिया, ये एक अनूठी चीज़ था सर, तो इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जिस अवस्था में आज बच्चे हैं उस अवस्था से हम लोग भी गुजर चुके हैं। हम लोग के समय ये मुश्किल थी कि कोई उस तरह का प्रश्न का जवाब नहीं देता था, परंतु आज उनके साथ ये सुविधा है कि कलेक्टर साहब भी बड़े व्यवहारिक ढंग से चीज़ों को रखते हैं। बच्चों के मन में जो शंकाएं हैं, जब तक वो दूर नहीं होगी तब तक वो रास्ता क्लियर नहीं होता है। इसी वजह से इस तरह के सेशन आयोजित किए जाते हैं, ताकि उनके मन में जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, शंकाएं हैं, समाधान हो और एक वो निश्चित लक्ष्य की ओर बढ़े। सर, बताना चाहेंगे कि बच्चों ने दहेज प्रथा को लेकर आपसे क्वेश्चन किया, उसके क्या कुछ कहना चाहते हैं? जो भी कहना था मैंने उसमें बता दिया था, और उसके सामाजिक पहलू, उसके कानूनी पहलू और उसके व्यवहारिक पहलू, तीनों के विषय मैंने बताया।